हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, मैं छठी कक्षा के बच्चों के लिए आज गणित विषय का सेट वन का पेपर सॉल्व करवाऊंगी, जो कि जुलाई 2022 में हुआ था। इस पेपर को करने के बाद अभी अगस्त में 2023 में, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगस्त 2023 में जो आपका सेट का पेपर होगा उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन या इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखो, इस तरह का आपका पेपर मिलेगा सेट में, जिसमें आपके 10 प्रश्न एक एक नंबर के होंगे, 11वां और 12वां प्रश्न दो दो नंबर का, और 13वां और 14वां प्रश्न तीन तीन नंबर के होंगे। पूरा पेपर 20 नंबर का होगा, 60 मिनट यानी कि एक घंटा आपको मिलेगा पेपर हल करने के लिए। आगे बढ़ूँ मैं? अब देखो, इस तरह से आपको एक एक नंबर के प्रश्न मिलेंगे। पहले आपको पेपर पढ़ना आना चाहिए। 1 से 5 सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं, मार्क टिक ऑन द करेक्ट आंसर। तो पहला ही प्रश्न ये है कि 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं। तो बेटा, 1 बिलियन का मतलब 1 अरब होता है। देखो, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और अरब। तो इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, तो 100 करोड़ होता है आपका। तो सही आंसर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न पर। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो प्राकृत संख्या हमेशा नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सबसे छोटा 1 होता है, तो ये सही उत्तर आ जाएगा। 7, इनमें से कौन सी संख्या का गुणनखंड है? 7 इज ए फैक्टर ऑफ विच नंबर? तो जो संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, 7 उसी का गुणनखंड होगा। तो 15 तो भाग होता नहीं, 29 भी नहीं होता, 20 भी, 35 होता है। 35 को 7 से भाग करोगे तो 5 पर चला जाएगा, 7 × 5 = 35, तो 7 इसका 35 का गुणनखंड होता है। आगे बढ़ूं, वृत्त के पथ पर, चौथा प्रश्न, चली गई दूरी क्या कहलाती है? ये वृत्त है। अगर इस पिंक पेन के साथ साथ आप चलते हो तो ये घेरा क्या कहलाएगा? ये परिधि या सरकमफ्रेंस कहलाएगा इंग्लिश में। 5वां देखो, 5 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक वो नंबर है जो 5 को भी भाग करे और 7 को भी, तो वो महत्तम समापवर्तक केवल 1 होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। रोमन संख्या XCV किसको निरूपित करती है? तो देखेंगे जरा, सी का मतलब होता है बेटा 100, सी के पहले 10 लग गया तो 90, और उसके पीछे 5 लग गया तो जमा का 5 होकर ये 95 बन जाएगा, तो आपका आंसर 95 आ जाएगा। अब 8वें, 9वें और 10वें में सही गलत आपने बताना है। दिए गए कथन में सत्य असत्य बताएं। स्टेट वेदर गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। प्रत्येक पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती माने जो भी पूर्ण संख्या लोगे ना, उसके पहले का नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। भाई, पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से, 1, 2, 3, 4, तो 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 1 से पहले 0, लेकिन 0 से पहले कोई संख्या पूर्ण नहीं होती है, तो ये गलत कह रहा है, असत्य कह रहा है, ठीक है। 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं कुल 4 होती हैं, गिन लो। 10 के बाद अभाज्य संख्या आएगी 11, 12 छोड़ के 13, 14 छोड़ के 15, 16 छोड़ के 17, 18 छोड़ के 19, 4, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, सत्य है, ट्रू है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, यह भी बिल्कुल सत्य है। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती, अगर कोई रेखा हम खींचते हैं तो वो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, लेकिन रेखाखंड का मतलब है, मान लो मैं कह दूँ 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड AB खींचो, तो उसकी लंबाई 5 ही रहेगी, तो यह सत्य कह रहा है,
बिल्कुल आसान सा पेपर है, और अगर ये समझ आ रहा है, आपको इससे फ़ायदा लगता है, तो एक छोटा सा काम करने में आपका कुछ नहीं जाता। आपने चैनल के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, क्योंकि मैंने आपके लिए वर्कबुक्स भी दोनों हल करवा रखी हैं। तो इतना तो बनता है, सब्सक्राइब करना। तो देखिए अब आगे 11वां, 2014 अंकों का केवल एक बार प्रयोग करते हुए चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो यहाँ आप लिखोगे, दो नंबर का प्रश्न है तो तरीके से करके आओगे, आप लिखोगे चार अंकों की, मैं सबको साथ साथ लिख रही हूँ तो आपको समझ ना आए तो मैं बोल भी रही हूँ, सबसे बड़ी संख्या। तो इन चारों में सबसे बड़ा क्या है? चार, चार के बाद दो, दो के बाद एक और एक के बाद जीरो। लेकिन जब हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो इसको उल्टा नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से। कई बच्चे क्या करेंगे, जीरो एक दो चार लिख देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। जीरो से जो संख्या शुरू होएगी वो तीन अंकों की हो जाएगी, तो ये बनेगा एक जीरो दो चार। ठीक है, आगे बढ़ूं, 12वें पे आ जाओ। एक टैक्सी ड्राइवर ने सोमवार को सुबह 20 लीटर पेट्रोल और शाम को 25 लीटर पेट्रोल अपनी कार में भरवाया। 90 रुपये प्रति लीटर की दर से उसने पेट्रोल पर कितने रुपये खर्च किए? कितना आसान प्रश्न है। पहले तो ये देखो कि उसने पेट्रोल कितना डलवाया। जो कुल पेट्रोल डलवाया वो 20 लीटर तो सुबह डलवाया, और भैया उसने वो इतनी दूर घूमने गया था, 25 लीटर शाम को डलवाना पड़ गया, यानी उसने अपनी कार में कुल एक दिन में 45 लीटर पेट्रोल डलवा दिया। अब एक लीटर पेट्रोल 90 रुपये का है तो 45 लीटर कितने का आएगा? बहुत आसान सा प्रश्न है, तो यहाँ लिख देना एक लीटर पेट्रोल का मूल्य या पेट्रोल की कीमत बराबर है 90 रुपये, और फिर आप यहाँ लिखोगे 45 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर है 90 गुणा 45। 45 और 90 की गुणा करने की बजाय 45 और 9 की गुणा कर देना, 9 पाँचे 45, हासिल पाए 4, 9 चौक 36 और 4 40, 405 आएगा, और पीछे एक जीरो और लगा देंगे, यानी उसने 4050 रुपये का पेट्रोल डलवाया। चलिए अब आ जाओ 13वें प्रश्न पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो कैसे करेंगे इसको? जब सबसे छोटी संख्या की बात आ जाती है तो हम महत्तम लघुत्तम समापवर्तक इनका निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 15 और 18 का क्या ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो 6, 15 और 18 सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से हम करते हैं तो 2 पे करेंगे, 2 3 6, 15 भाग नहीं होता तो यूं का यूं, और 2 निम 18। अब ये तीनों तीन पर भाग होंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, अभी भी 3 पे जाएगा, 1 3 पे जाता नहीं तो यहाँ 1 लिख देंगे, 5 नहीं जाता तो 5, 3 एकम 3, और अब यहाँ 5 पे जाएगा, 1 नहीं जाता, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इन सभी का गुणनफल हमारा आ जाएगा लघुत्तम समापवर्तक, जो कि है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इनको गुणा करो तो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 90 वो संख्या है जो 6 से भी पूरी पूरी भाग हो रही है, 15 से भी हो रही है और 18 से भी, जबकि हमें वो संख्या निकालनी है जिसको इन तीनों से भाग करे तो शेषफल बच जाए 5। तो वो संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या तो 90 है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, सबसे छोटी संख्या जिसे भाग देने पर, जिसे भाग देने पर, तीन नंबर का प्रश्न है ये, 5 शेषफल बचे, जिसे भाग देने पर 5 शेषफल बचे वो हो जाएगी 90 जमा 5 अर्थात 95। यानी 95 वो नंबर है कि 6 से भाग करोगे 15 से और 18 से, तो 5 तो शेषफल बचेगा ही बचेगा।
ठीक है भाई। तो ये था 13वां प्रश्न, और अब बिल्कुल आसान सा है लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, प्रतिच्छेदी रेखा, बहुभुज और त्रिज्याखंड। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटें। ठीक है, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटें, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। बहुभुज, दूसरी परिभाषा लिख रही हूँ मैं, बहुभुज अनेक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। अनेक भुजाओं से घिरी हुई आकृति, सुन लो मेरी बात, घिरी हुई बंद आकृति लिख देना भाई, अनेक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। हो गया, अब हम तीसरी पर आते हैं। त्रिज्याखंड किसे कहते हैं? ये अगर एक वृत्त है और ये वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, तो इनके बीच का जो हिस्सा होता है वो त्रिज्याखंड कहलाता है। तो यहाँ आप लिखोगे किसी वृत्त की, ध्यान से मेरे साथ साथ लिखते जाना, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ भाग, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ, एक मिनट भाई थोड़ा और सफाई से लिखती हूँ मैं, घिरा हुआ, ये बेटा इस पर स्मार्ट वो हो जाता है ना, तो लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, घिरा हुआ भाग त्रिज्य खंड कहलाता है। परिभाषाएं देनी थी वो हमने दे दी हैं। तो बहुत ही आसान सा ये हमारा पेपर था जो जुलाई 2022 में आया था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पेपर आपको पूरा समझ आ गया होगा। एक छोटा सा काम ही आपने करना है, इस लेक्चर को पसंद करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।